मुख्यमंत्री का निर्देश, बेसिक से लेकर तकनीकी शिक्षा तक के सभी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को मद्देनजर रखते हुए लिया गया फैसला। 22 मार्च तक बंद रहेंगे सभी शैक्षिक संस्थान। चल रही परीक्षाएं नहीं होंगी रद्द। नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं IBN भारत। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोकभवन में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकार वार्ता भी की और इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ दिनेश शर्मा भी मौजूद है। दरअसल सरकार ने 22 मार्च तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने का निर्णय लिया है, साथ ही मेडिकल कॉलेज में भी MBBS की पढ़ाई बंद रहेगी। जिन विद्यालयों में परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, वे जारी रहेंगी। साथ ही साथ CM योगी ने यह भी बताया कि UP में अब तक कुल 11 पॉजिटिव केस आ चुके हैं, जिनमें 10 का उपचार दिल्ली में तथा 1 का KGMU लखनऊ में चल रहा है। आगरा के साथ गाजियाबाद के 2 और नोएडा व लखनऊ के 1-1 मामले आए सामने। BRD और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में वायरस पहचान करने की हैं सुविधाएं। यूपी में बनाए जाएंगे 5 लैब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर 1 माह पहले यूपी में अलर्ट जारी किया गया था। आवश्यक सतर्कता के लिए एडवाइजरी भी जारी हो चुकी थी और मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी जिलों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। साथ ही 4,100 चिकित्सकों को ट्रेनिंग दी गई है। इतना ही नहीं, जिले स्तर पर 820 बेड आरक्षित करने के साथ 24 सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों में 448 बेड आइसोलेशन वार्ड के रूप में भी रिजर्व किए गए हैं। हमारी सरकार ने कोरोना फ्लू को देखते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक यहाँ पर ली है। यद्यपि 1.5 माह पहले से ही हम लोगों ने इसके लिए पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया था और प्रदेश में कोरोना फ्लू से बचाव के लिए जो भी आवश्यक सावधानी और सतर्कता बरती जानी चाहिए थी, इसके बारे में एडवाइजरी भी जारी की थी। पूरे प्रदेश के अंदर इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग की व्यवस्था भी हो सके, इसके बारे में कार्यक्रम भी सुनिश्चित रूप से आगे बढ़े और अब तक हम लोगों ने 4,100 चिकित्सकों को इसमें ट्रेन भी किया है। तो गाजियाबाद के एक नोएडा का और एक लखनऊ का है, ये जो 11 पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं, इनके उपचार की व्यवस्था 10 की सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में उपचार की व्यवस्था चली और 1 को KGMU में ही उसके उपचार की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। इस कार्यक्रम को हम लोगों ने सारी सुविधाएं हमारे पास मौजूद हैं। स्वास्थ्य विभाग को सबसे पहले शासन ने इस बारे में हमेशा हमारा मानना रहा है कि ये एक संक्रामक बीमारी है, तो स्वाभाविक रूप से सतर्कता और सावधानी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है।